स्टूडेंट्स क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज जो है वो 1.3 हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए थे। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, जहाँ पे वैल्यू जो है वो जस्ट माइनस में दी हुई है। तो आपने वही लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू x पावर माइनस 1, दोनों तरफ स्केयर लेके, तो जब स्केयर लेंगे तो y स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर माइनस पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो वहाँ पे y की वैल्यू पुट करके उसको आगे सेम उसी तरह फैक्टर बना के सॉल्व कर लेना है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप इसको अभी सॉल्व करते हैं। देखें इसमें दिया हुआ है 2x² प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसमें अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, जब इसको सॉल्व करते हैं कैल्शियम लेके या मल्टीप्लाई करके, तो वहां पे हमारे पास इसकी पावर जो है वो पावर 4 में चली जाएगी, x² इंटू x², तो इसलिए हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले लेट किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट करके उसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके देन उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे 2x² प्लस 1 और 2x² प्लस 1 दोनों सेम है वैल्यू, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे स्टार्ट में ही कि y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, ठीक है। यानी कि पूरे का पूरा x का जो वेरिएबल है वो इसमें y में आ गया, तो आप पुट कर देंगे एक इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इस सारे की जगह क्या आ गया, y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हमने इस y को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y विद होल इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ भी y को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, y इंटू y यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। अब यहां से हमारे पास इस y को हम इधर मूव करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 5 जो है ये माइनस हो जाएगा 4y, इधर प्लस 4y था माइनस हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसको हम अभी इसके जो है वो मिड टर्म ब्रेक करके सेक्टर फैक्टर बना के सॉल्व करने, जैसे 3 1 3, तो 3 के जो फैक्टर एक ही होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसमें हमारे पास देखिए प्लस 3 था इधर माइनस 4 है, तो माइनस 3 और माइनस 1 के जो फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें रूल्स वही है कि अगर हम इस जो भी जिस पेयर में इसको ब्रेक करते हैं इनको अगर प्लस या माइनस करें तो आपकी ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो वैल्यू आ रही है उसमें। अब देखें माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4y आ रहा है, और 3 वन और माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड, पहले में देखें क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर माइनस 3y, तो दोनों में क्या है वाई कॉमन, तो जब वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 3 आपके पास आ गया। इसमें देखिए क्या कॉमन है, माइनस 1, तो यहां से हम जब माइनस कॉमन लिया माइनस 1, तो ये y प्लस था, जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस था तो प्लस हो गया, जो प्लस वैल्यू थी वो माइनस हो गई। तो यहां पे अब हमारे पास दोनों में देखिए y माइनस 3 कॉमन है, जब कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 कॉमन आ गया, और पीछे क्या रह गया आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही मेथड के y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बस यहाँ, क्योंकि अब यहां से आगे हमने इसको सॉल्व करना होता है y के साथ नहीं सॉल्व करना, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है, तो हमने इस इक्वेशंस को x के साथ जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहां पे फिर आप जो भी वैल्यू लेट की थी y इक्वल टू x प्लस 1 वो यहाँ पे इसकी y की जगह पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या हमने लेट की थी 2x² प्लस 1, y की जगह जो भी वैल्यू थी वो पुट कर दी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे भी आप y की जगह 2x² प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें यहां से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x² माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x² इज इक्वल टू इस माइनस 2 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, x² इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके
डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। लेकिन यहाँ पे जब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स कैंसल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्योंकि अंडर रूट वन जो है वो इज इक्वल टू वन ही होता है, और जब कॉन्स्टेंट का अंडर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस में आ जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, वन वन दोनों कैंसिल हो गए थे, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जीरो ओवर टू, ये भी सारा जीरो हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद आपके पास एक्स वैल्यू जो है वो जीरो ही रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो थ्री वैल्यू आ गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये था, इसमें हमने क्या किया स्टार्ट में, जो भी वेरिएबल था वो लेट कर लिया, किसी भी दूसरे वैल्यू में सब्सटीट्यूट करके, वो वैल्यू पुट करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देन उसको सॉल्व कर लेना। यानी कि अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करते मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये वैल्यू जो है वो जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते जैसे हमने यहाँ पे लिया था किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, तो वो पावर फोर में आ जाती है। तो जो हम एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं, जो उसको वैल्यू किसी भी दूसरी वेरिएबल के साथ सब्सटीट्यूट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 7, 8 और 9। इस तीनों क्वेश्चन जो है वो सेम एक ही मेथड से सॉल्व होने हैं, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो मैं अभी सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी जो है वो आपने खुद से ट्राई कर लेने हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जिसमें लिखा हुआ है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अब इसमें दो चीजें हैं, एक में आपके पास नोमिनेटर में x आ रहा है और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है। दूसरी साइड पे देखें, आपका नोमिनेटर में आपके पास x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में x है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, और जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो 1 ओवर y जो है वो आ जाएगा इक्वल टू x माइनस 3 ओवर x के। तो वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, इधर y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 4, वही y से मल्टीप्लाई करके सेम हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी तरह का फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 9 में जो है सेम ही दोनों प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो 8 को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी मेथड से, आपने 7 और जो है वो 9 वो दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर 8 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 6। अब ये देखें, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था, हमारे पास एक वैल्यू है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1, इसी तरह यहाँ पे 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ पे नोमिनेटर आपका 4x प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में 4x माइनस 1 है, यहीं पे चेंज हो गया, ये आपका नोमिनेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे किसी एक वैल्यू को y के, तो आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए दूसरी वैल्यू क्या है इसी का, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे हम जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर y, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और नीचे वाली वैल्यू वो नोमिनेटर, तो इसमें आपके पास y ओवर 1 था तो वो 1 ओवर y बन गया। इसी तरह ये आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू जो है वो चेंज होकर नोमिनेटर बन जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू इसमें ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो भी हमने लेट कर ली y के इक्वल, इसी का रेसिप्रोकल लेके ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 1 ओवर y के इक्वल। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे y और 1 ओवर y की इन इक्वेशन नंबर 1 में, जब वहां पे पुट करेंगे आप देखें 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 जो है वो इज इक्वल टू किसके है, 1 ओवर y के। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर y इज इक्वल टू, अब यहां पे ये मिक्स नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, फैक्टर में, तो इसको मिक्स नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ और ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाती है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 1
13 ओवर डिनोमिनेटर ऐसे आ जाता है 6। तो ये मेथड होता है मिक्स नंबर को सॉल्व करने का। अब हमारे पास सेम वही चीज, इन दोनों का क्या आ रहा है हमारे पास एलसीएम 6 × y 6y। हम करेंगे 6y से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, यानी कि इस इधर भी आप 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 6y। अब देखिए यहाँ पे y और y दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे इधर, सॉरी 6 और 6 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या रहेगा हमारे पास 6 × 1 6y² यहाँ पे आपके पास y और y कैंसिल, जस्ट आपके पास 6 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 13y। अब हम इसको दूसरी साइड में मूव कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6y² - ये प्लस था इधर आके, माइनस हो जाएगा 13y + 6 = 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमारे पास इसमें मेथड होते हैं फैक्टर बनाने के, पहले देखते हैं अगर तो इसके फैक्टर बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास वैल्यू है ये 6 × 6, जैसे इसका मेथड क्या होता है कि हम सी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, तो 6 × 6 कितना बन रहा है 36। अब 36 के फैक्टर जो है वो हमारे पास 18 × 2 = 9 = 4 ये इसके फैक्टर है। अब देखिए इसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू नहीं बनी, लेकिन अगर हम 9 और 4 को, -9 और -4 को डिवाइड करें इसमें, तो -4 और -9 -13 और मल्टीप्लाई अगर करें तो 36। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 6y² - 9y - 4y + 6 = 0। अब देखिए अगर इनको प्लस करें तो क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की है तो ऐड हो जाएंगी, 9 + 4 = 13, तो साइन माइनस का आ जाएगा। अगर इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं तो -minus + 9 = 36। ओके अब ये इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है देखिए, एक तो वाई कॉमन आ गया, दूसरा दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 2 × 3 = 6 and 3 × 3 = 3, इसमें का मतलब है दोनों में 3 जो है वो इधर भी और इधर भी कॉमन है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से, एक y और एक 3, तो आ जाएगा 3y कॉमन। अब देखिए यहाँ से y भी कॉमन 3 भी कॉमन, पीछे क्या रह गया 2y, यहाँ पे आपके पास y भी कॉमन 3 भी कॉमन सिर्फ -3। अब यहाँ पे इसमें देखें, अब यहाँ पे 4 है और 6 है, अब ये दोनों 2 में आ रहे हैं, 2 के टेबल में 2 × 2 = 2 × 3 = 2, तो इसका मतलब है कि 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन 2 भी कॉमन +2y, और इसमें से माइनस जब कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो गया, और जब 2 कॉमन लिया तो पीछे आपके पास 3 रह गया, ठीक है = 0। अब यहाँ पे 2 − 3 2y − 3 दोनों साइड पे था और पीछे क्या रह जाए, ये कॉमन ले लिया, आपके पास रह गया 3y − 2 = 0। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, जैसे यहाँ पे 2y − 3 = 0 और 3y − 2 = 0। अब यहाँ से वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास, यहाँ y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2y = ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया 3, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y = 3/2। यहाँ से भी आपके पास ये इसी तरह है, 3y ये जो -2 था इधर आके प्लस हुआ और 3 डिवाइड हो जाएगा, तो y = 2/3। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमने सब्सटीट्यूट किया हुआ था y को = x वेरिएबल के साथ, तो वापस हमने x वेरिएबल y की जो भी वैल्यू पुट की थी, लेट की थी, वो वापस पुट करके, क्योंकि हमने जो आंसर निकालना है वो x की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस इसको लेट कर लेते हैं, अब y की वैल्यू क्या थी यहाँ पे देखें, 4x + 1, उसको पुट करेंगे 4x + 1 / 4x - 1 = इसके इक्वल है 3/2। अब यहां पे क्या करेंगे हम, दोनों एक दूसरे के साथ दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 जो है वो 4x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 4x + 1 = 3 × ये आ जाएगा 4x - 1। ओके अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों से, तो 8x + 2 = 3 × 4 = 12x
माइनस थ्री। अब ये आपके पास x वाली बड़ी वैल्यू है, इसको हम दूसरी साइड पे मूव कर देंगे, तो आ जाएगा 12x माइनस थ्री, ये प्लस एट था इधर आके माइनस एट हो जाएगा, और ये प्लस टू था ये भी आके माइनस टू होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x x के साथ ऐड हो जाएंगे और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ, तो 12 माइनस एट डिफरेंट साइन है तो वैल्यूज क्या होती हैं, माइनस होती हैं, तो 12 माइनस एट 4x, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाता है, और ये दोनों माइनस किए तो ऐड हो जाएंगे माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब ये 4x इज इक्वल टू फाइव उधर जाएगा तो प्लस फाइव, और x इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाय 4। अब सेम यही स्टेप आपने इसके साथ खुद कर लेना। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू है 2/3, यहाँ पे y की जगह इसकी जो वैल्यू हमने लेट की थी 4x प्लस 1 और 4 ओवर 4x माइनस 1, ये इसकी जगह पुट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सेम इसी तरह, और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सेम इसी तरह है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सेम तीनों क्वेश्चन जो है वो इस मेथड से सॉल्व होने हैं। ठीक है, ये आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर इसमें कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।